दुमका में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। दुमका के कई गांव एलपीजी पंचायत घोषित हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत दुमका की ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत दुमका में अब तक 96,705 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे अब ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी के सहारे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। महिलाओं की माने तो जब घर पर एलपीजी गैस नहीं था तब उन्हें लकड़ी चुनकर या खरीद कर लाना पड़ता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पहल से खाना बनाना आसान हो गया है। हम महिलाओं को तो वरदान प्राप्त हो गया, गैस मिला है, इसके लिए सुविधा से हम लोग अच्छा से ये काम कर सकते हैं। बहुत तरह का फायदा मिला है हम लोग ग्रामीण सब परिवार लेडीज के लिए। लकड़ी गोइठा काठी के लिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, जलन भी, आंख में जलन भी होती थी धुआं के वजह से। इस वजह से हम लोगों को सरकार मोदी ने हम लोगों को बहुत सुविधा दी गई है। इस योजना को दो भागों में बांटा गया है, उज्ज्वला 1 और उज्ज्वला 2। उज्ज्वला 1 के तहत जो SSC डेटा में चिन्हित किए गए हैं परिवार, उनको लाभान्वित किया जाना है। SSC डेटा के आधार पर इस दुमका जिला में कुल परिवारों की संख्या 2,74,861 है, जिसमें से चिन्हित किया गया है लाभान्वित कराने के लिए 1,76,836 परिवारों को। इनमें से 96,705 परिवारों को विगत महीने तक हम लोग लाभान्वित करा चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और राज्य सरकार की तरफ से चूल्हा दिया जा रहा है। पहली बार एक साथ 51,000 परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया। दुमका में अब तक 90% महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। भारत सरकार को और झारखंड सरकार को हम ग्रामीण पूरे धन्यवाद देते हैं उनको कि आज हम लोगों को गैस देकर हमारी समस्या को दूर किए हैं। खरौनी गाँव है जमा प्रखंड का, ये इसमें लगभग 40-45 घर है, लगभग मिल चुके हैं। जो भी कुछ बाकी है उनको अभी प्रोसेस में दिया गया है। रघुवर सरकार के प्रयासों से दुमका के कई गांव LPG पंचायत घोषित हो चुके हैं। एक तरफ महिलाओं को धुएं से आजादी मिली है तो दूसरी तरफ जंगल पर दबाव कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।